नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं भास्कर, भास्कर एजुकेशन पर आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं बताया था, इस लॉकडाउन की स्थिति में मैं आपके लिए मैथ और साइंस का क्लास लेकर आऊँगा। तो ये आज मेरा पहला ट्रिगोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा और इसे बिल्कुल टॉप लेवल तक लेके जाऊँगा, मतलब जीरो से हीरो। आज का ये वीडियो आप देखिए और ट्रिगोमेट्री के बेसिक चीज़ों को सीखिए। आज हम मेनली देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री का जन्म क्यों हुआ, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों थी और इसके बेसिक थिंग को बारे में जानेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आप क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप इसे जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये और भी बच्चों के लिए लाभदायक हो सके। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रिगोमेट्री। सब कोई हेडिंग डाल लेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर हम ट्रिगोमेट्री का बात करें तो ट्रिगोमेट्री वर्ड तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गो मैट्री। ट्राई का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड एंड मैट्री मेजर मेजरमेंट, मतलब थ्री साइड वाले शेप का मेजरमेंट ही ट्रिगोमेट्री कहलाता है। अब थ्री साइड वाले शेप को हम लोग जानते हैं कि थ्री साइड वाले शेप को ट्रायंगल कहा जाता है। तो ट्रिगोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का बात करता है, इसीलिए ट्रिगोमेट्री पढ़ने से पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जिसमें थ्री साइड्स हैं, साइड ए बी, बी सी एंड ए सी। साइड ए बी, बी सी एंड ए सी। ट्रायंगल में थ्री वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए बी सी एंड थ्री एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये जरूरी है कि एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का दिया होगा। अगर 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी के दो एंगल हैं, एंगल सी जिसे मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ और एंगल बी जिसे मैं एंगल बीटा मान लेता हूँ। अब अगर हम एंगल सी से राइट एंगल ट्रायंगल को देखना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि एंगल सी के सामने वाला साइड ए बी है, एंगल सी के सामने वाला साइड ए बी है, तो इसे हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हिंदी में लंब कहा जाता है, लंब, जिसे पी के द्वारा डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने वाला साइड एसी को हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है और इसे एच के द्वारा हम डिनोट करते हैं। अब एंगल सी से जब हम इस ट्रायंगल को देखें तो सामने वाली साइड, एंगल सी के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा और एंगल सी 90 डिग्री, दो एंगल जिस साइड पे बनते हैं उस एंगल को हम बेस कहते हैं, बेस, जिसे आधार कहा जाता है और इसे बी के द्वारा डिनोट करते हैं। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एक और फिगर ड्रॉ करता हूँ, ए बी सी, जिसमें 90 डिग्री
एंगल भी 90 डिग्री है। लास्ट टाइम जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में हमने एंगल सी से पूरे ट्रायंगल को देखा था, एंगल सी जिसे हमने थीटा माना था। अब हम इस ट्रायंगल को एंगल ए से देखते हैं जिसे हम बीटा अज्यूम किए हुए हैं। तो और हम ये जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, हाइपोटेनस होगा जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं और इंग्लिश इसे एच के द्वारा डिनोट किया जाता है। जब हम एंगल ए से इस ट्रायंगल को दिखना स्टार्ट करते हैं तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड बी सी को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे जिसे हिंदी में लंब कहा जाता है और इसे पी के द्वारा डिनोट करते हैं। और एंगल बीटा और 90 डिग्री जिस साइड पर बनते हैं उस साइड को बेस कहते हैं, बेस आधार, इसे बी से डिनोट करते हैं। तो हमने देखा कि कंडीशन वन में जब हम इस ट्रायंगल को एंगल सी से देख रहे थे तब परपेंडिकुलर ए बी था, बट सेकेंड केस में जब हम इस ट्रायंगल को एंगल ए से देखना स्टार्ट किए तो हमारा परपेंडिकुलर बी सी आया। तो ये चीज़ हमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए कि जिस एंगल से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस एंगल से हम ट्रायंगल को देखते हैं उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ये आप लोग के लिए है। ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ ये थीटा है तो बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी हम लोग देखते हैं, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, पाइथागोरस या पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम, इस थ्योरम में कहा जाता है कि जब कोई राइट एंगल के परपेंडिकुलर का स्क्वायर तथा बेस का स्क्वायर को ऐड किया जाता है तो वो योगफल हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आता है कि h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीन पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना बहुत ही आवश्यक है। मैं अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट बनाकर आप लोग को देते रहूँगा जिससे आप लोग भी बोर ना हो। ये हमारा पार्ट वन था, अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री में सम कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।